हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज की वीडियो है रे ट्यूब के ऊपर जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक टॉपिक है पहले हम कम रे ट्यूब होती क्या है वो करेंगे उसकी डायग्राम और फिर उसकी वर्किंग सबसे पहले हम देखते हैं रे ट्यूब होती क्या है सीआरटी आर इज़ जस्ट लाइक अ वैक्यूम ग्लास बॉटल जो सी है कैथोड रे ट्यूब है वो एक वैक्यूम ग्लास बॉटल की शेप में होती है और उसी की तरह होती है द फंक्शन ऑफ़ द कैथोड्रे ट्यूब इज़ टू कन्वर्ट अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू अ विजुअल डिस्प्ले जो मेन फंक्शन कैथोड्रे ट्यूब का है वो है कि ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक विजुअल डिस्प्ले में वो डिस्प्ले जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है नेक्स्ट है इसकी डाइग्राम कैथोड्रे ट्यूब की डायग्राम सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से एमिट हो चुके हैं तो मैं आपको इसकी वर्किंग बताती हूँ तो उससे आप ये डायग्राम आसानी से समझ जाएंगे सबसे पहले हम पहले हम कनेक्टर पिंस को करंट प्रोवाइड करवाएंगे जैसे ही करंट प्रोवाइड होगा इलेक्ट्रॉन गन में जो हीटिंग फिलामेंट है वो हीट हो जाएगा हीटिंग फिलामेंट के ऊपर जो कैथोड प्लेट है वो भी हीट हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो विद अ वेरी हाई स्पीड एमिट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल ग्रिड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करें उसके लिए फोकसिंग फोकसिंग सिस्टम यूज़ होता है नेक्स्ट स्टेप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ़लैक्शन प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लैक्शन प्लेट्स से हॉरिजॉन्टल डिफ्लैक्शन प्लेट्स क्या करता है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट या राइट right डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इन्हें इमेज बनानी होती है उस डायरेक्शन में मूव कराता है और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं इसकी वजह से टॉप और बॉटम में इलेक्ट्रॉन्स जाके स्ट्राइक करते हैं उसके बाद जो हमारी इले, इलेक्ट्रॉन बीम है जो हमारी बीम है वो स्ट्राइक होती है फोस्फोर कोटेड स्क्रीन से जो स्क्रीन है वो फोस्फोर क्रिस्टल से कोटेड होती है और हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जाके उसके साथ स्ट्राइक करती है जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी जो फोस्फोर क्रिस्टल्स हैं वो लाइट्स के स्मॉल स्पॉट्स एमिट करेंगे और हमारी स्क्रीन पर इमेज क्रिएट होगी नेक्स्ट हम करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सी तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन जनरेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन गन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती है इलेक्ट्रॉन गन कंजिस्ट ऑफ कैथोड एंड हीटिंग फिलामेंट्स। when heat is supplied to cathode by a heating filament its electron become loose and gets emitted from cathode surface जब हीट सप्लाई होती है कैथोड को हीटिंग फिलाेंट के थ्रू तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज हो जाते हैं और कैथोड सर्फेस से एमिट हो जाते हैं सेकेंड है फोकसिंग सिस्टम जो फोकसिंग सिस्टम है उसका पर्पस है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को स्मॉल स्पॉट्स में कन्वर्ट करती है और उन्हें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवाती है थर्ड है डिफ्लेक्शन सिस्टम जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन बीम की डायरेक्शन को चेंज करता है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्राइक कर सके लास्ट है फोस्फोर कोटेड स्क्रीन द स्क्रीन इज कोटेड विथ फोस्फोरस क्रिस्टल कॉल्ड फोस्फोर्स जो स्क्रीन है वो कोटेड रहती है फोसफोरस क्रिस्टल से जिन्हें हम फोसफोर्स कहते हैं दिज फोस क्रिस्टल्स एमिट स्मॉल स्पॉट्स ऑफ लाइट वैन द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स ऑन डैम फोर्स फोर क्रिस्टल स्मॉल स्पॉट्स एमिट करते हैं लाइट के जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है फोर्स फोर क्रिस्टल्स के साथ नेक्स्ट हम करेंगे वेरियस टर्म्स एसोशिएटेड विद सीआरटी वो सारी टर्म्स जो कि सी आर टी के साथ एसोशिएटेड हैं तो फर्स्ट है पिक्सल अ पिक्सल में भी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट कलर स्पॉट दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन पिक्सल स्मॉलेस्ट कलर स्पॉट है जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है फ्लोरेसेंस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फोसफोर क्रिस्टल्स दैट दे ग्लो वेन दे आर हिट बाई अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम फोस्फोर क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी है कि वो ग्लो होते हैं जब इलेक्ट्रॉन बीम से हिट होते हैं थर्ड phosphor है फोस्फोरसेंस द फोसफोर क्रिस्टल्स कॉन्टिन्यू टू ग्लो इवन आफ्टर इलेक्ट्रॉन बीम इज रिमूव्ड दिस लाइट और ग्लो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोस्फोरसेंस फोस्फोर क्रिस्टल्स ग्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम रिमूव हो जाए तब भी और जो ग्लो प्रोड्यूस होता है उसे फॉस्फोरसेंस कहते हैं नेक्स्ट है परसिस्टेंस द फोसफोर क्रिस्टल्स ऑन स्क्रीन कॉन्टिन्यू टू ग्लो इवन आफ्टर द इलेक्ट्रॉन बीम इज रिमूव्ड सच अ ग्लो इज नोन एज फोस्फोरसेंस जैसे हमने पिछले पॉइंट में देखा कि फोस्फोरसेंस क्या होता है द फोसफोर क्रिस्टल्स ऑन स्क्रीन कॉन्टिन्यू टू ग्लो जो फोस्फोर क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्लो रहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन बीम रिमूव हो जाए तब भी इस प्रोसेस को हम फोस्फोरसेंस कहते हैं एंड द ड्यूरेशन फॉर विच द फोस्फोरसेंस एग्जिस्ट इज नोन एज परसिस्टेंस वो ड्यूरेशन जब तक फोस्फोरेसेंस रहती है उसे हम परसिस्टेंस कहते हैं फिफ्थ है रेजोल्यूशन स्क्रीन रेजोल्यूशन रेफर्स टू द मैक्म नंबर ऑफ पॉइंट दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन सी आर टी स्क्रीन विदाउट ओवरलैपिंग जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो मैक्सीम नंबर ऑफ पॉइंट हैं जो कि डिस्प्ले हो सकते हैं सीआरटी स्क्रीन पे विदाउट ओवरलैपिंग ला नेक्स्ट हैपेक्ट रेशो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ हॉजॉन्टल पॉइंट टू द वर्टिकल पॉइंट्स नसेसरी टू प्रोड्यूसल इन बोथ डायरेक्शंस ऑन द स्क्रीन जो जो हॉरिजॉनटल पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स हैं वो इक्वल लेंथ की लाइन्स प्रोड्यूस करें दोनों डायरेक्शन में जो एस्पेक्ट रेशो है वो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ हॉर्जोंटल पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल पॉइंट से सो लेटस टेक एन एग्जाम्पल अगर हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन है एट हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड तो अगर हमने एस्पेक्ट रेशो निकालनी है तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ हॉरिजोंटल पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स यानी एट हंड्रेड अपॉन सिक्स हंड्रेड तो हमारे पास आ जाएगा फोर अपॉन थ्री मीन्स फोर रेशो थ्री लास्ट है डॉट पिच द इंटरनल स्क्रीन सरफेस ऑफ कलर्ड मॉनिटर इज कोटेड विथ थ्री डिफरेंट फोर्स फोर टाइप्स रेड ग्रीन एंड ब्लू जो हमारा कलर्ड मॉनिटर होता है उसमें थ्री डिफरेंट टाइप्स के फोस्फोर्स हैं जो कि है रेड ग्रीन एंड ब्लू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल